नवधा फैक्ट्री में साल भर पहले चौकीदार को बंधक बनाकर हुई डकैती की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से डकैती का माल भी जब्त कर लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नवधा फैक्ट्री में साल भर पहले कुछ बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाकर यहाँ से आयशर, कृषि संयंत्र निर्माण संबंधी माल, सोयाबीन के कट्टे डकैती कर ले गए थे। साल भर पूर्व इस घटना के मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस बीच मिली सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही जिन लोगों को माल बेचा था उन्हें भी दर दबोचा है। आरोपियों के पास से आयशर गाड़ी सहित अन्य माल जब्त कर लिया गया है। मामले में बड़नगर थाना प्रभारी सतनाम सिंह ने कहा कि आरोपियों द्वारा फैक्ट्री से सोयाबीन आदि के कट्टे चोरी कर आयशर गाड़ी से ले गए थे। उन्होंने कबाड़ियों को सामान दे दिया था। आरोपियों से पूछताछ की गई तो जानकारी सामने आई है। देखो ये इन्होंने आयशर लेके आए थे और आयशर लेके इन्होंने अभी तक की जो योजना है इन्होंने चौकीदारों को चमकाया है के पास तलवार कट्टे इस तरह से लेके आए। 7-8 की संख्या रही। इन्होंने अंदर जाकर जो कमरे थे उनमें ताले तोड़कर और वहाँ से इन्होंने कई कट्टे 20 कट्टे नट बोल्ट के चुराए, पुली इन्होंने चुरा ली, 50 नग पुली चुरा ली इन्होंने, और सोयाबीन के 40 कट्टे रखे हुए थे 40-40 किलो के, वो इन्होंने चुरा लिए थे। डीपी में से जो कॉपर वायर निकालने की कोशिश करने के लिए इन्होंने पूरी डीपी को तहस नहस कर दिया, लेकिन फाइल गिर गया लेकिन ले नहीं जा पाए, ऊपर की प्लेट नहीं खिसका पाए थे, कुछ केबल वायर भी इन्होंने काटे। ये इन्होंने इस तरह से ये घटना करी थी, ये घटना थी इनकी। ये घटना इनकी 24 दिसंबर मतलब 23 दिसंबर को ये आ गए थे जैसा कि जानकारी मिली थी 11:30 बजे, लेकिन इनकी पूरी घटना 24 दिसंबर की रात की है। 3:30 तक इन्होंने ये घटना की और घटना करके ये फिर आयशर गाड़ी से इसको ले गए, फिर इन्होंने यहाँ से ले गए जो भी जानकारी मिली। फिर एक हनीफ करके है कबाड़ी, वहाँ पर ये इन्होंने सामान दिया, कुछ कमरू कबाड़ी है उसको भी सामान दिया इन्होंने इस तरह से। किशन इसमें ड्राइवर था उसको भी, और इसमें आरोपियों में जो एक आरोपी है रोहित, 7-8 आरोपी हैं इसमें। एक धोलिया पुलिस भी यहाँ की घटना के बाद में इन्होंने धोलिया में भी घटना की, सुनते हैं वहाँ फायरिंग भी किया उन्होंने, तो रोहित अभी वहाँ गिरफ्त में है। और यहाँ राजा और शाहिद, मोहम्मद शाहिद, ये सब देवास के रसूलपुर के रहने वाले हैं, इनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और दो कबाड़ी जो हैं कमरू और हनीफ चाचा, इनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, इनसे बरामदगी हो गई है। और जो पुरानी घटना है वो भी इन आरोपियों ने कबूल की है, और उसमें से भी हमने नट बोल्ट के कट्टे सॉफ्ट होती हैं 50-50 किलो की, वो भी हमने जब्त की हैं, और कम से कम एक एक क्विंटल के कम से कम 12 कट्टे सोयाबीन के इस तरह से हमने वो भी जब्त किया है, नट बोल्ट भी जब्त किया है, कटर भी हमने जब्त किया है इसमें। नहीं सभी नहीं आया, अभी तो काफ़ी बचे हैं। एक आरोपी धुलिया पुलिस के कब्जे में है, आयसर हमने जब्त कर ली है, कबाड़ियों को जब्त गिरफ्तार कर लिया है, और जो फील्ड के दो आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया है हमने, दो आरोपी गिरफ्तार कर लिए, दो कबाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है और बेचना चल रही है। बहरहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर और भी जानकारी निकाल रही है। एमपी न्यूज़ के लिए अर्पित नागर की रिपोर्ट।